मेहदी हसन मिराज को नई गेंद देना स्मार्ट मूव था। हाँ, जिस तरह से आज उन्होंने गेंदबाजी की, पहला विकेट लिया, आई थिंक दैट वाज द राइट मूव। क्विंटन डिकॉक को वनडे में संन्यास को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हाँ, अगर साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिस तरह से वो रन कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट है टीम में। शाकिब अल हसन ने अपने गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, मेरे ख्याल से उन्होंने खुद एक ओवर 44th या तो 45th ओवर डाला था, वो उनको नहीं डालना चाहिए था। हेनरिक क्लासन की वजह से साउथ अफ्रीका को धीमी शुरुआत से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिस तरह से वो एक्सप्लोजिव बैटिंग करते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट ज़्यादातर 140-150 से ऊपर होती है, और इसी की वजह से अगर शुरू के 1-40 ओवर में ज़्यादा रन नहीं बने तो भी आखिरी के 10 ओवर में वो रन बना लेते हैं। इस विश्व कप में बांग्लादेश के इस हाल का कारण उनकी खराब रणनीति है। हाँ, कहीं ना कहीं उनकी रणनीति खराब है, एग्जीक्यूशन भी खराब है, तो दोनों का तालमेल जो है वो सही नहीं है। विश्व कप 2023 भारत और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम जीतेगी। हाँ, मुझे लग रहा है कि दोनों टीम बहुत अच्छी है, बट उसके साथ न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत ही अच्छी है, तो मेरे हिसाब से ये तीन टीम में से कोई एक जीत सकता है।